हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, इसमें आपने एक दो टाइप के एग्जाम्पल कर लिए थे और फिर उसके बाद हमने देखा था क्या पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में देखिए क्या देखा था आपने, पर्टिकुलर केस में किस टाइप की इक्वेशन होगी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश अपॉन क्या होगी, एम होगी, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ सी डैश। ठीक है, और इसको क्या मान लेते थे, यानी कि इक्वेशन होती थी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश, और लेट मानते थे लेट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल हम क्या मान लेते थे, वी मान लेते थे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता था, ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेते थे, डी वाई बाई डी एक्स की, वो कितनी हो जाती थी, डी वी बाई डी एक्स माइनस ए, और माइनस ए हो जाएगा और वन अपॉन में क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, वन अपॉन वी वन अपॉन बी डी वी वाई डी एक्स माइनस ए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, अब पुट कर देंगे, दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, वन बाई बी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई को हमने क्या कह दिया, वी प्लस सी अपॉन में एम वी प्लस सी डस, यही वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनका पार्शियल यानी कि इनको अलग अलग कर लेते थे, पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलर कर लें। ठीक है, और उसके बाद एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या कर लेते थे, इसे सॉल्व आउट कर लेते थे। अब ये तो थी पर्टिकुलर केस, अब हम इसके आज एग्जांपल देखेंगे कि पर्टिकुलर केस में आपके किस टाइप के एग्जांपल हैं। अब आप देखिए, एग्जाम्पल है पर्टिकुलर केस के एग्जाम्पल देखेंगे हम, 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 डी वाई इक्वल 0। ठीक है, क्या गिवन है, देखिए 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 डी वाई इक्वल 0। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो हम dx वाली टर्म एक साइड में और dy वाली टर्म एक साइड में, तो इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx, और इस पूरी टर्म को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4x 2y माइनस 1 dy।
ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर दें और इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2x + y + 1 माइनस अपॉन कितना, 4x + 2y - 1 इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डी वाई के अपॉन में क्या लिए, डी एक्स लिए, और 2x + y + 1 के अपॉन में क्या ले आए, 4x + 2y - 1 ले। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस, ये तो है 2x + y + 1, ठीक है, अपॉन में कितना कॉमन ले हम, 2x + y - 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है कि नीचे और ऊपर सेम आ जाती है, यहाँ ये m की वैल्यू हो गई और जो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उसको हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो लेट 2x + y = v माना, तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x + 2x का यानी कि 1 हो जाएगा, 2 + dy / dx इक्वल dvy / dx, और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे dy / dx इक्वल dv / dx - 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन में, ठीक है, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन वन में, तो क्या हो जाएगी, dv / dx - 2 इक्वल माइनस 2x + y को हम क्या मानेंगे, v प्लस 1 अपॉन में 2v - 1, ये होगी वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 हमारे तो इसमें भेजेंगे, dv / dx इक्वल कितना हो जाएगा, -v + 1 2v - 1, और प्लस के कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या होगा, dv / dx इक्वल एलसीएम ले लें, 2v - 1 और -v + 1 और कितने आ जाएंगे, प्लस के 2 2v - 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में dv / dx ये क्या होगा, -v - 1 + 4v, ठीक है, -2 अपॉन में कितना, 2v - 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dv / dx इक्वल कितने, 3v, ठीक है, प्लस के और माइनस के 3 अपॉन 2v - 1, ये वैल्यू होगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, 3v - 3 यानी 3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, dv / dx v - 1 अपॉन 2v - 1, यही वैल्यू आएगी आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में v वाली टर्म को एक साइड में कर लें, 2v - 1 अपॉन 3v - 1 dv इक्वल dx। अब देखिए हमारे पास यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक आप समझिए क्या हुआ, 2x + y + 1 dx और ये था 4x + 2y - 1 dy = 0। अब हम इस स्टेप को यहीं छोड़ देंगे और आगे वाले स्टेप हम इक्वल में लेके गए, RHS में आ गई, माइनस के 4x + 2y - 1 dy, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने अपॉन में कर लिया, 2x + y + 1 अपॉन में कितना, 4x + 2y - 1 और इक्वल में क्या हो गया, dy / dx आ गया। अब आप देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा, यहाँ कॉमन आ रहा, तो बताइए क्या कॉमन आया आपके पास, 2 कॉमन आया, ब्रैकेट में आपके पास क्या बची, 2x और प्लस में कितना बचा, y और माइनस में 1 है ही। अब आपके अपॉन में यानी कि ऊपर होता था ax + by + c, ठीक है, और यहाँ क्या होता था, ax + by, और प्लस के कितने, c', ठीक है। तो इक्वेशन जो ब्रैकेट में वैल्यू बची है उसको हमने क्या माना, v माना, क्योंकि पर्टिकुलर केस में हम ax + by को क्या मानते थे, v मानते थे, और किसी जिसने भी पर्टिकुलर केस नहीं पढ़ा हो वो लास्ट वीडियो इसकी देख ले।
अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एक्स हो गया, तो हमारे पास इसका एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी वाई डी एक्स। अब डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें कितनी आ गई, डी वी वाई डी एक्स माइनस टू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन में पुट की तो कितनी आई बताइए, यहाँ डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितनी, डी वी वाई डी एक्स माइनस टू इक्वल में कितने, माइनस वी प्लस वन अपॉन में टू वी माइनस वन। अब ये माइनस टू इधर जाएंगे आर एच एस में, क्या हो जाएगा प्लस के टू। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करके आपके पास यहाँ तक आ गई थ्री वी माइनस थ्री और अपॉन में कितने, टू वी माइनस वन और डी वी अपॉन डी एक्स कितने आ गए आपके पास, थ्री वी माइनस वन अपॉन में कितने, टू वी माइनस वन, टू वी माइनस वन, थ्री वी माइनस वन डी वी इक्वल कितना हो गया, डी एक्स। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ देखिए कितना, टू वी माइनस वन अपॉन थ्री वी माइनस वन डी वी इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स, ये वैल्यू होगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास केवल हमें ये वैल्यू की ज़रूरत है, टू एक्स प्लस वाई इक्वल वी, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी टू एक्स प्लस वाई इक्वल वी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक तो मैं कर दूँ माइनस वन और प्लस वन, एड एंड सब्ट्रैक्ट, या ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा, कितना टू वी माइनस वन प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री वी माइनस वन डी वी इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डी एक्स को मैं यहाँ उतार लूँ और ये क्या आ गया, टू वी माइनस टू प्लस वन अपॉन थ्री वी माइनस वन डी वी, क्या होगा डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन टू वी माइनस वन प्लस वन अपॉन थ्री वी माइनस वन डी वी, ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी एक्स यहाँ डिवाइड देंगे टू बाई थ्री, वी माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, बताइए क्या बचा, यहाँ बचा डी वी। ठीक, प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन यही होगा, अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, वन अपॉन वी माइनस वन, यहाँ क्या लिख दूंगी मैं डी वी। ठीक है, लिख दिया मैंने, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन है, अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ क्या आएगा एक्स इक्वल टू बाई थ्री वी प्लस वन बाई थ्री लॉग वी माइनस वन, और मैं एक कांस्टेंट ले लूँ क्या सी बाई थ्री, अपॉन में थ्री चल रहा है तो मैंने ले लिया क्या सी बाई थ्री। अब देखिए सी बाई थ्री है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, ये थ्री का एलसीएम लेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा क्या, और इक्वल में क्या रह जाएगा, जब एलसीएम ले लिया यहाँ चला गया थ्री तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि टू वी प्लस लॉग वी माइनस वन प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब आप देखिए लगभग हमारा ये क्या हो रहा है, सॉल्व आउट हो रहा है, सॉल्व आउट हो रहा है, तो पुट द वैल्यू ऑफ वी, पुट द वैल्यू ऑफ वी, और वी इक्वल हमारे पास कितनी है टू एक्स प्लस वाई, तो पुट करेंगे आप क्या आएगा थ्री, कितना थ्री एक्स, यहाँ क्या रह गया आपके पास में थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, और प्लस में कितना आ गया थ्री आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में थ्री एक्स इक्वल कितना फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस लॉग टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, और प्लस में कितना आ गया आपके पास सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या होगा,
यहाँ देखिए कितना होगा, मैं इसको इधर ले जाऊँ तो कितना आएगा, ये आएगा 4x माइनस 3x प्लस 2y प्लस लॉग, कितना आ गया 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल सॉरी प्लस c इक्वल 0। अब देखिए क्या आ गया, x प्लस 2y प्लस लॉग 2x प्लस y माइनस 1 प्लस c इक्वल 0। ये आपका क्या है, आंसर है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इक्वेशन गिवन होगी dy और dx की टर्म में, फिर अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद dy अपॉन में dx निकाला, और dy के जो मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट के रूप में जो थी उसको हमने dx के अपॉन में ले गए। और फिर क्या करा हमने, 2x प्लस वाई यानी कि नीचे कुछ कॉमन आ रहा था हमारा, ठीक है, वो कॉमन बाहर निकाल लिया, और हमारे पास जो इक्वेशन बची यानी कि v की जो वैल्यू बची वो 2x प्लस वाई बची। 2x प्लस वाई को हमने क्या माना, v माना, फिर उसका इंटीग्रेशन करा, और वहाँ से हम क्या निकाल के लेके आए, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डिफ्रेंशिएशन करा, और dy बाई dx निकाला, dv बाई dx निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, dv बाई dx माइनस 2 आया था। और वैल्यू पुट करके हमने उन्हें क्या करा, अलग अलग कर लिया, यानी कि डी वी की वी की वैल्यू एक साइड में और एक्स की वैल्यू एक साइड में। फिर क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, 2v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv इक्वल कितना, dx। और यहाँ क्या होगा, एक प्लस 1 कर दें, और क्या कर दें, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में कितना, 3v माइनस 1 dv इक्वल क्या आ गया, इंटीग्रेशन में dx, इंटीग्रेशन में dx, ये क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv इक्वल में, दैट इम्प्लाइज dx 2, यहाँ कॉमन निकाल लिया हमने, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा अपने पास, v माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv, और इंटीग्रेशन अब क्या होगा, dx 2v 2/3 v माइनस 1 यानी कि इसका अलग कर लिया, तो v माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, dv बच गया, प्लस 1/3 dv अपॉन v माइनस 1। अब क्या होगा, x होगा प्लस 2/3 v प्लस 1/3 log v माइनस 1 प्लस c/3 3x, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 3x का, ठीक है, 3 का 3x हो गया इक्वल 2v प्लस log v माइनस 1 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ वी, क्योंकि हमें वी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वी की वैल्यू 2x प्लस वाई थी, तो हमने यहाँ रखा वी की वैल्यू, तो कितनी होगी, 2x प्लस वाई प्लस लॉग 2x, यहाँ भी रखेंगे कितनी, 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस सी 3x इक्वल 4x प्लस 2y प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस सी। 4x में से 3x माइनस करेंगे कितने बचेंगे हमारे पास, x यानी कि एक साइड में कर ली, और प्लस एक्स प्लस 2y प्लस लॉग 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल 0। ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने एक पर्टिकुलर केस का एक एग्जांपल पढ़ा, अब हम अगले एक एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी केस पर सिंपल है, इसी केस पर आधारित है, ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, नोट्स भी रेगुलर आप बनाओ, क्योंकि इससे आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और आराम से सॉल्व आउट करोगे, क्योंकि वरना बर्डन इतना हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल एक जैसे हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होगे। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल और है, कितना देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या गिवन है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, कुछ नहीं करना, ना इधर ले जाना ना उधर ले जाना, हमारा सिंपल फॉर्म में गिवन है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स
यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में यहाँ m कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। तो देखिए कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, कॉमन आ गया, यानी कि पर्टिकुलर केस की जो आपकी इक्वेशंस होती है उनकी टाइप का बन गया। अब क्या लेंगे, लेट x प्लस वाई, यानी कि ये तो m हो गया, ब्रैकेट में जो वैल्यू बचती है ए एक्स प्लस बी वाई उसको हम क्या मानते हैं, v मानते हैं, इक्वल v माना, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या आया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी डी एक्स माइनस 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस वैल्यू इन 1 में आप पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल एक्स प्लस वाई की वैल्यू वी प्लस 1 अपॉन 2 वी प्लस 3। अब क्या करेंगे हम, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल आपके पास क्या वैल्यू बची, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यानी कि वी प्लस 1 अपॉन 2 वी प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ एलसीएम आया 2 वी प्लस 3, यहाँ बचा वी प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 वी प्लस 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 2v प्लस वी 3v प्लस 3 प्लस 1 कितना 4 अपॉन 2v प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v वाली टर्म एक साइड में और x वाली टर्म एक साइड में, तो यहाँ देखिए x वाली टर्म क्या होगी, ये देखिए 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv इक्वल dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ dx में छोड़ दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 4 dv, यही होगा। अब 3v प्लस 4 यानी कि फ्रैक्शन नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट करें, देखो 3v प्लस 4 को 2v प्लस 3 से हमने डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 2/3 बार, यहाँ पर 2v लेके आना है ना इस जगह, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2/3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2v प्लस कितने 4 2 8/3, यहाँ माइनस माइनस क्यों, सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा, ये देखिए कितना बचा है यहाँ 1/3। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो आ गया डी एक्स और ये आ गया 2/3 डी वी, ठीक है, प्लस 1/3 और अपॉन में कितनी वैल्यू, ये वैल्यू, तो अपॉन में यानी कि ये आएगा डी वी अपॉन 3v प्लस 4। मेरे हिसाब से आप सभी को इस टाइप का इंटीग्रेशन करना आता होगा। अब देखिए अगेन इसको समझ लेते हैं, या ये कहें देखिए क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2y प्लस 3। अब इक्वेशन में हमें सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमें, ना x को एक साइड में लेना ना y को एक साइड में, ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, मैंने 2 कॉमन लिया, आपके पास क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस 3। अब क्या मानेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल वी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या आ गया, x के साथ में करेंगे 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल dv बाई dx
अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो कितनी आएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, पुट दिस वैल्यू इन वन, पुट कर दी इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में पुट करी तो ये माइनस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के वन हो गया। एलसीएम ले लिया 2v+3 और यहाँ आ गया v+1 + 2v+3, तो आगे इसे सॉल्व आउट किया, v+2v कितने हो गए 3v, और 3+1 कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ क्या बचा 2v+3, ठीक है, अपॉन में। अब यहाँ क्या करेंगे हम, v वाली टर्म एक साइड में और x वाली टर्म को एक साइड में किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड क्या किया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन 2v+3 अपॉन 3v+4 dv, ठीक है। अब इंटीग्रेशन नहीं होगा यानी कि इसको डिवाइड देते हैं इसी तरीके से, 3v+4 का डिवाइड दिया 2v+3 में, कितनी बार जाएगा 1/3, मतलब रिमाइंडर बचा इसमें, तो डी एक्स तो एज इट इज हमने उतार दिया, यहाँ क्या आ गया ये 2/3, और डी वी 2/3 यानी कि जो यहाँ पर जितनी बार डिवाइड जाए और वो लिख दिया, और इन टू में कितना आ गया डी वी प्लस 1/3, और अपॉन में ये वैल्यू होती है जो यहाँ कोफिशिएंट होता है उसके अपॉन में ये वैल्यू, तो 1/3 डी वी अपॉन में कितना 3v+4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स इक्वल 2/3 v, और इसका एलसीएम लूँगी तो मैं कितना आएगा 1/3 log 3v+4, और मैं कर दूँ प्लस में लॉग सी, लॉग सी या लॉग के आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉग सी। अब क्या कर दें, एलसीएम ले लें कितना 9 का, तो यहाँ क्या आ गया 9x 2 यानी कि 6v प्लस कितना log 3v+4, और यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज लॉग सी पर ना रहेगा, अगर आप सी की पावर 9 भी लिखेंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एज ए कांस्टेंट है तो हम लॉग सी ही पढ़ा रहने देते हैं यहाँ, कितना लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास हमें वैल्यू किसकी और चाहिए, x प्लस वाई इक्वल वी चाहिए, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें, v इक्वल हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई, ये आपको साइड में लिखना चाहिए ताकि आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, या एक काम और कर सकते हो आप, क्या हम ये भी कर सकते हैं, देखिए 9x = 6v + log c (3v+4) कर दें, अब पुट कर दें, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ log x प्लस log y होता है तो log x y हो जाता है। अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, 9x = 6x + y + log c (3x + y + 4), ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा, 9x = 6x + 6y + log c कितना आएगा आपके पास, 3x + 3y + 4, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इस 9x को इधर ले आएँ, 6x को इधर ले जाएं, तो हमारे पास कितना आ गया आपके पास, 3x - 6y, ठीक है, log c (3x + 3y + 4), ठीक है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन निकालेंगे, कितना आएगा, x - 2y = log c (3x + 3y + 4), ठीक है। अब क्या करें, हटाने के लिए log एंटी log लें, यानी e की पावर लगा दूं मैं, तो e की पावर लगाते ये क्या आएगा, 3x - 2y = c (3x + 3y
प्लस फोर, ठीक है, ये पावर में आ गया। अब इसके अपॉन में मैं क्या करूँ, थ्री अपॉन में सी लेके आएंगे हम, ठीक है, क्या लेके आएंगे, सी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं थ्री कॉमन और निकाल दूँ यहाँ से, कितना आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री। इस थ्री को और एलसीएम में ले आए तो हमारे क्या पास क्या बचा, थ्री एक्स माइनस टू वाई अपॉन थ्री सी इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री। इस स्टेप को वन अपॉन थ्री सी को एक कांस्टेंट मान लें, हम क्या मान लें, के मान लें, के ई की पावर थ्री एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, के इक्वल थ्री सी, ठीक है। तो यानी कि क्या किया हमने, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स इक्वल टू बाई थ्री वी प्लस वन बाई नाइन लॉग थ्री वी प्लस फोर प्लस लॉग सी इक्वल, यहाँ एल सी एम लिया नाइन एक्स आ गया, इक्वल सिक्स वी प्लस लॉग थ्री वी प्लस फोर प्लस लॉग सी। और यहाँ पुट करेंगे या ये कहें कि हमने इनमें फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम प्लस लॉग एन में क्या होता है, लॉग एम एन हो जाता है, तो कितना आ गया, नाइन एक्स इक्वल सिक्स वी प्लस लॉग सी इंटू में थ्री वी प्लस फोर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू, वी की वैल्यू पुट करेंगे, नाइन एक्स एज इट इज सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस लॉग सी थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर, ये आ गया नाइन एक्स, ये क्या आ गया, सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस लॉग सी थ्री एक्स थ्री वाई प्लस फोर। और इस 9x को 9x इधर ले जाएंगे 6x, तो कितने हो गए, 3x बचे, माइनस सिक्स वाई आ गया, इक्वल लॉग सी 3x प्लस थ्री वाई प्लस फोर। और क्या कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन लेंगे, क्या आ गया, x माइनस टू वाई इक्वल लॉग सी 3x प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ई की पावर 3 x माइनस टू वाई इक्वल सी 3x प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ई की पावर 3 x माइनस टू वाई अपॉन सी इक्वल थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री, ठीक है, कॉमन निकाला। अब यहाँ अपॉन में थ्री ले आए और इसको वन अपॉन थ्री सी यानी कि वन अपॉन या थ्री सी को हमने क्या मान लिया, एक वैल्यू मान ली के, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने के माना और के मान के हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या थे, ये थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन और उसके पर्टिकुलर केसेस के एग्जाम्पल। अब इसमें बचती है एक्सरसाइज, तो मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। और अपने अगर जिन्होंने भी ये वीडियो देख ली है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक्सरसाइज निकालने की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लें और जिन्होंने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो भी उन वीडियोज़ को पढ़ लें। थैंक यू सो मच।